दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हाइपरथायराइडिज्म और ब्लड प्रेशर, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है आजकल। तो बस इसमें मुझे बताना कुछ नहीं है, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है मेरा कि जो कुछ हर्ट के लिए कर रहे हैं वो सब आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए करना है। जो भी हर्ट के लिए कर रहे हैं वो सब हाई ब्लड प्रेशर के लिए करना है, और हाइपर थायराइडिज्म वालों को वो सब करना है जो हर्ट के लिए कर रहे हैं। एक ही चीज एक्स्ट्रा है वो लिख लीजिए, हाइपर थायराइडिज्म के केसेस में। बाकी तो आप वही कर सकते हैं जो कुछ बीपी सॉरी हर्ट के लिए कर रहे हैं। एक ही चीज एक्स्ट्रा है, ये जो तुलसी पत्ता सॉरी धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता, हरा पत्ता धनिया, इसकी चटनी बना के गर्म पानी में पीना है। जिनको हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है। अब थायराइड बढ़ने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, आप सभी जानते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, मोटापा आना दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, गर्दन मोटी हो जाए वो तीसरा कॉम्प्लिकेशन है, घुमा भी नहीं सके वो चौथा, बहुत कॉम्प्लिकेशन है थायराइडिज्म के। सारे कॉम्प्लिकेशन को एक ही मेडिसिन कवर कर लेती है, वो है धनिया, हरा धनिया। हरा धनिए का पत्ता उसको पीसना, गुनगुने पानी में मिला के पीना। क्वांटिटी कितनी पीस कर एक चम्मच हो जाए, अब जितनी भी क्वांटिटी पीस कर एक चम्मच हो जाए। जो तो हरा धनिया नहीं मिलता फिर तो सूखा धनिया उसको पीस के। हाँ बिल्कुल, सूखे धनिया को कैसे पीसेंगे, रात को पानी में डाल दीजिए, सवेरे तक नरम हो जाएगा, चटनी बना लीजिए उसकी, फिर पानी में मिला के पी। एक चम्मच एक ही बार मिक्सी में पीस लीजिए, पत्थर में पीस लीजिए। अब ये जो धनिया है वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा किसके लिए, थायराइड की प्रॉब्लम, बढ़ी हुई थायराइड, हाइपर थायराइडिज्म। और एक इसका उल्टा है, हाइपो थायराइडिज्म, थायराइड जब बहुत कम हो जाता है, उसकी बात थोड़ी देर बाद में करूंगा जब लो ब्लड प्रेशर का केस आएगा तब। तो हमारे पास चार बातें हो गई, एक तो बीपी हो गया, हाँ जी, और कहाँ है, एक ही जगह है थायराइड, और कहीं है ही नहीं शरीर, एक ग्लैंड है थायराइड, उसमें से सीक्रीशंस ज्यादा होने लगते हैं तो हाइपर थायराइडिज्म होता है, सीक्रीशंस कम हो जाते हैं तो हाइपो हो जाता है। हम चार बातें एक साथ कर चुके हैं, फिर से रिपीट करो, हार्ट की बात हो गई, ब्लड प्रेशर की बात हो गई, शुगर माने डायबिटीज की बात हो गई, और थायराइडिज्म की बात हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कैंसर की बात करते हैं। है जी, अरे ब्लड प्रेशर का सुना नहीं आपने, जो कुछ हर्ट के लिए कर रहे हैं वो सब ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं। धनिया जरूरत नहीं, धनिया तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए एक्स्ट्रा बताया, बाकी जो भी मैंने ब्लड प्रेशर सॉरी हर्ट के लिए बताया है वो सब ब्लड प्रेशर के लिए काम का है। रिपीटेशन से फायदा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आपने नोट भी कर लिया। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।